कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज नेक्स्ट मॉर्निंग। बेसिकली हुआ क्या, डीजे नाइट के बाद जब हम गए खाना खाने तब हमने कैमरा चेक करा, कैमरा की बैटरी वॉज डेड। और खाने में था रोटी, चावल थे, दाल थी, आलू की सब्जी थी, मटर पनीर था एंड चिकन वालों के लिए चिकन भी था एंड सेवइयां भी एंड टेस्ट वाज गुड। तो मैं आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ हमारे पीछे का। आप देख सकते हो ये सारे टेंट्स हैं, वहाँ पे बेसिकली एक लॉन्च बना हुआ है सो दैट कि हम खाना खा सके एंड बेसिकली अपने फोन, पावर बैंक, लैपटॉप चार्ज कर सके। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8, हमें राफ्टिंग करने भी जाना है। अराउंड 10 बजे हम राफ्टिंग के लिए निकलेंगे आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। हम फिर दोबारा लॉन्च ही जा रहे हैं सो दैट कि हम ब्रेकफास्ट खा सकें और इस बार जरूर दिखाएंगे कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या दिया था। वैसे ऑलरेडी राघव का कॉल आ चुका है कि ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे हैं, तो शी इज अ छोले भटूरा फैन, ये तो पक्का वही खाएगी। बट मैं ना एग्स प्रेफर करूँगी, पता है क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। हाय गाइस, ऐसा पूरा हमारा लॉन्च दिखता है। बेसिकली कॉमन रूम है और ऐसे टोटल 3 बोर्ड दे रखे हैं टू चार्ज योर फोन या लैपटॉप, जो आपको चार्ज करना हो, कैमरा सब चार्ज हो जाएगा। So guys, it's our time to do breakfast. क्या बताऊँ क्या टेस्ट है छोलों का। तो मेरा आज बिल्कुल मन नहीं था कि मैं छोले भटूरे खाऊंगा। मेरा था कि आज राफ्टिंग के लिए जाना है तो थोड़ा लाइट खाते हैं। प्रियंका ने तो एटलीस्ट 6 अंडे खा लिए होंगे, 6 एग वाइट खा लिए हैं क्योंकि जितने जिम शुरू कराए हैं थोड़ा प्रोटीन फ्री में जब मिलता है ना तो ये भटूरा थोड़ा सा ऑयली है, कोई नहीं भटूरा है, ऑयली तो होना है ना, चलता है ट्रिप पे चलता है। खाना काफ़ी अच्छा है, रात को भी बहुत अच्छा था। घर पे हम लोग होते ना तो 8-10 बजे तक आके निकलते और यहाँ पे विदाउट अलार्म 7 बजे उठ गए हम लोग क्योंकि इतनी हवा चल रही थी और टेंट ऐसे उड़ रहा था। नेचर अल्टीमेट होता है। एक बार क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको रिवर साइड लेके चलते हैं, वहाँ का व्यू दिखाते हैं बिकॉज वहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। हमने भी मिस करा था जब हम शाम को आए थे बिकॉज इसके थोड़ी देर बाद ही लाइटिंग इशू हो गया था। तो अभी हम चलते हैं, हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। दीज ऑल आर वॉशरूम्स, दिस इज आवर लॉन्च, दीज ऑल आर टेंट्स। यहाँ पे ऐसा बहुत बड़ा गार्डन है, अगर टाइम मिला तो यहीं पे हम फुटबॉल खेलेंगे। और अब हम सारे जा रहे हैं नदी के किनारे। Guys, look at this view, कितना सुंदर लग रहा है, मजा आ गया। पानी देख सकते हो, बिल्कुल कांच की तरह क्लियर है, एक एक पत्थर दिख रहा है। इट्स जस्ट अमेजिंग। जय हो गंगा मैया की। अरे ठंडा लग। ऋषभ आना। ओए ऋषभ, गाइस आप लोगों को आना है, सारे गीले हो जाओगे, आप वहीं रहो। वहाँ थे और अब यहाँ आ गए हैं, 7 समंदर पार करके। गाइस ऑल सेट टू गो, अब हम जा रहे हैं राफ्टिंग करने। सामान हमने ले लिया है बिकॉज मे बी काफ़ी लेट हो जाए। उसके बाद हमें 2-3 जगह और घूमने जाना है। अगर हमारे पास टाइम नहीं बचा, गाड़ी में ही हरिद्वार रेस्ट करके थोड़ा सा वहाँ से निकलेंगे वापस घर। तो इट्स माय फर्स्ट टाइम जब मैं राफ्टिंग करूँगा, मैंने आज तक नहीं की। प्रियंका तूने करी हुई है? यस। कैसा एक्सपीरियंस होता है? ऑसम, एडवेंचरस। तो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होगा। मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स गाड़ी में वेट कर रहे हैं हमारा। तो विल सी यू गाइस देयर। बीस मिनट हो गए हमें कैंप से निकले हुए और हम जा रहे हैं जहाँ से राफ्टिंग होती है। और आप देख सकते हो कितना लंबा जाम लगा हुआ है, आगे भी बहुत लंबा जाम है। हमें एटलीस्ट लगेगा 1 घंटा पहुँचने में और अभी हम आगे जा रहे हैं पानी लेने के लिए बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। गाइस अभी हम पार्किंग में पहुँचे हैं। पार्किंग हमारे कैंप से थी 26 किलोमीटर दूर और हमें लगा है आने में यहाँ पे अराउंड 1.5 घंटा। अंदर मैं कैमरा नहीं ले जा सकता, सो व्हाट आई विल डू, मेरे दोस्त के पास iPhone X है तो iPhone X पे स्विच करते हैं। सो गाइस हम लोग राफ्टिंग के लिए निकल चुके हैं एंड भैया से पूछते हैं थोड़े क्वेश्चन आंसर। कितना टाइम लगेगा? 16 किलोमीटर दूर है, 16 किलोमीटर 2.5 घंटे लग सकते हैं, 2-2.5। राफ्टिंग में क्यों? जाने में जाम अगर कम हुआ तो जल्दी पहुंच जाएंगे। एंड राफ्टिंग कितने किलोमीटर की होगी? 16। अच्छा, तुम्हें एक्सीडेंट वगैरह होने के भी क्या चांसेस रहते हैं? क्लाइंटों की अपनी गलती होती है, कोई नशे में आता है, कोई लाइफ जैकेट खोल देता है, उस वजह से स्लिप हो जाती है बोट, तो वो गले में लग मतलब ऐड जाती है गले में, उस वजह से भी हो सकती है। अच्छा, तो मतलब अगर आप अपने आप को ढंग से प्रोटेक्ट करोगे तो सेफ है। चलो बढ़िया। सो गाइस, आधे घंटे का ट्रैवल करके हम लोग पहुंच चुके हैं। मेरा तो फर्स्ट टाइम है, मेरी तो लगी पड़ी है, बाकी प्रियंका एक्साइटेड है पूरी। श्रुति का भी पहली बार है। श्रुति, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। तो बहुत डर लग रहा है। अजी, इतनी बार आ चुका है तू यहाँ पे? मैं 3-4 बार आ चुका हूँ और डरने की कोई बात नहीं है, अपना एंजॉय करो, एडवेंचर है। फर्स्ट टाइम सबको लगता है, एंजॉय करो, कोई डरने वाली बात नहीं है। ध्यान से सुनना, अगर सुनोगे तो आपके ही काम आएगा। हमारे काम तो रोज ही आता है क्योंकि हम एवरीडे चलते हैं 2 या 3 राउंड। आप फर्स्ट टाइम हो या थर्ड टाइम, ओवर कॉन्फिडेंस कोई नहीं दिखाएगा। रिस्पेक्ट टू गंगा भैया, होली रिवर गंगा है। कुछ भी खा रहे हो तो प्लीज़ बाहर थूक दे, रिवर में ना थूके। और बैड लफ्ज़ कोई यूज़ नहीं करेगा, किसी ने भी किया तो मैं वहीं पे उतार दूंगा। साइड गाइड की कुछ कमांड्स होती है, 3 बेसिकली कमांड और 2 कमांड होती है कंडीशन रैपिड के हिसाब से, वो आपको फॉलो करनी होती है। और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है शिवपुरी और एंडिंग पॉइंट होगा आपका NIM बीच। यहाँ से होगा आपका 16 किलोमीटर का जर्नी, जिसपे आपको 9 रैपिड मिलते हैं। 2 मेजर रैपिड है इसमें, रोलर और गोल्फ कोर्स। ये आपके 3 और एक +3 का रैपिड होता है जिसमें फॉल आउट स्लिप के चांसेस होते हैं। तो रिवर में आम बात है राफ्ट का पलटना और हमारा फॉल आउट होना, ये मेन पार्ट है रिवर का। एडवेंचर करने आए हो आप, सेफ्टी के लिए पहना है आपने लाइफ जैकेट और हेलमेट। लाइफ जैकेट प्रॉपर टाइट होना चाहिए, ऐसा मत सोचना है कि गाइड ने ज़्यादा टाइट कर दिया मैं इसे लूज करता हूँ। लूज मत करना प्लीज़, क्योंकि इनकेस अगर आप फॉल आउट हो गए या राफ्ट फ्लिप हो गया तो जैकेट आपके फेस पे आएगा, सांस लेने में दिक्कत होगा और स्विमिंग करने में भी। ऐसे दे दिया भी चाहिए। तो गाइस, इट्स टाइम टू गो। गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय। क्या करने वाला हूँ मैं अब? अजीत जाएगा जंप करने विद आईफोन एक्स एंड ये मैं जा रहा हूँ और ये मैं गया। तो गाइस, हम रिवर के बीच में हैं एंड पूरे 40 मिनट से राफ्टिंग कर रहे हैं। इट हार्डली टेक अस हाफ एन आवर मोर, हम पहुंच जाएंगे। पूरे 7 रैपिड निकल चुके हैं। भैया टोटल कितने रैपिड होते हैं? 9। 2 रैपिड बचे हैं और अब प्रियंका की जिद है कि वो आगे बैठेगी, बिकॉज आगे वाले को सबसे ज्यादा एफर्ट दिखाने होते हैं। बैठे हैं आगे। रुक जा ना, रुक जा यार, मेरे स्लोमो। प्रियंका तो नहीं आएगी? मैं भी आऊंगी। हाँ? बन रही है। My God! बिल्कुल डर नहीं है इस लड़के को। कुछ बोलना चाहेगा ऋषभ? गाइस, it is an adventurous trip. अगर आप कभी भी ऋषिकेश नहीं आए हो तो प्लीज आना, बहुत फन है बहुत। और गोल्फ कोर्स रैपिड में जरूर स्ट्रॉन्ग साइड से जाना। और हाँ, अगर लाइफ में राफ्टिंग करता हो, गेट ऑफ की कमांड नहीं मिली तो वेस्ट है राफ्टिंग। रास्ते में बीच में पड़ता है एक मैगी पॉइंट। गाइस, यू कैन सी कितनी भीड़ है यहाँ पे। क्लिफ जंपिंग भी होती है, वो भी करेंगे। अभी जो हमारा डिस्टेंस रह गया वो सिर्फ 1 किलोमीटर का रह गया। और ये देखिए अजीत, देखो अजीत ने आज फुल स्विमिंग करी है। और मैं अभी क्लिफ जंपिंग करने वाला हूँ और आप लोग वो देखेंगे मैं कैसे उसको एंजॉय करता हूँ। आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय करो। अगर आपको कभी आना है तो इस टाइम पे आकर देखना, बहुत ज़्यादा फन होता है। मैगी भी बहुत टेस्टी है, बस धनिया डाला यार। धनिया से पता नहीं क्या एलर्जी है मेरे को, बस नहीं मैं खा लूंगी। पानी में जाने के बाद बहुत एक्सपीरियंस। ऋषभ पहले तो जाते ही उन्होंने धक्का दे दिया, उसके बाद नहीं हो रही थी। मैंने इसे बोला था कि नीचे नहीं हो, सो दैट कि अगर मैं गिरूं, मेरे को स्विमिंग नहीं आती तो मुझे पकड़ के बाहर ले आई हो। नीचे गिरा भाई, पानी अंदर। मेरा और मेरे को लगा गया आते ऋषभ नीचे रह जाएगा दूर, बट इट वाज फन। लेकिन जो लाइफ जैकेट का काम है ना, 4 सेकंड हवा में, 3 सेकंड नीचे जाने के, 2 सेकंड ऊपर आने के। यो ब्रो, गाइस आफ्टर राफ्टिंग आप लोगों को पता है कि पानी में मस्ती मारने के बाद कितनी ज़्यादा भूख लगती है, तो हम लोग आए हैं यहाँ पे टिक टॉक रेस्टोरेंट करके नाम है, एंड खाना बहुत टेस्टी है। बाय द वे गाइस, आज हमने बहुत ज़्यादा फन करा। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, प्रियंका का सेकंड था। चल आज मैंने ज़्यादा मजे लिए, मैंने क्लिप जंपिंग भी करी है, इसके बस की नहीं हुई। इसने तो जैसे ही ऊपर हाइट से नीचे देखा तो इसके तो टाइटे फिस वही हो गई थी। एंड आवर कैंप वाज रियली गुड, ब्रेकफास्ट एंड डिनर सब था उसके अंदर इन ₹1800 और राफ्टिंग भी इंक्लूडेड थी। थैंक्स टू आशीष जिसने हमें इतना बढ़िया पैकेज दिया। बहुत 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 ज़्यादा मजा आया, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस। ऋषभ के साथ जो बंदा एक्चुअली पता क्या होता है, जो बंदा डरता है ना उसके साथ मतलब ऐसे एडवेंचरस चीज़ें करने में मज़ा ही कुछ और होता है। बट ऋषभ डिड वेरी वेल, इसके बस की नहीं है कुछ। मैं ही करूँगा जो करूँगा, जो दिखाएगा आपको मैं दिखाऊँगा। हाँ प्लीज़, मैं करूँगा। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो गिव अस अ लाइक, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज उसी से आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा। एंड हमें नई नई प्लेसेस सजेस्ट करो, कॉमेंट सेक्शन में बताओ हम कहाँ जा सकते हैं। अगर आपके नियर बाई कोई भी फूड रेस्टोरेंट है जो बहुत अलग अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, या कोई आइडिया है जो आप चाहते हो कि हमारे थ्रू आप पूरे इंडिया को दिखा सको, लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। हम लोग देखते हैं गाइस, हम लोग लाइक करते हैं आप लोगों के कमेंट, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको कमेंट करना वेस्ट नहीं जाएगा। सो मिलते हैं ऐसी अच्छी सी अगली वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।